नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो दोस्तों आज जो है वो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हजार्ड्स। जो इंडस्ट्री में जो हजार्ड्स होते हैं तो हजार्ड्स का हम जो सिंपल जो मीनिंग है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो हजार्ड्स मीन्स होता है खतरा। अगर हम बात करें हिंदी वर्ड्स की तो हम इसे कहते हैं खतरा। आप दोस्तों कहेंगे कि डेंजर वर्ड जो है वो डेंजर वर्ड भी जो है वो खतरे के लिए यूज़ किया जाता है, पर ये जो हजार्ड्स वर्ड है ये वर्ड जनरली जो है वो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर आप कोई जंगल से अगर जा रहे हैं और आपको कोई खतरा है तो आप ये बोलेंगे क्या कि इसमें बहुत हजार्ड्स है? आप बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत डेंजर जोन है ये जंगल का, तो उस वक्त जो है वो हम डेंजर वर्ड यूज़ करते हैं खतरे के लिए। पर इंडस्ट्री में जिन जिन चीज़ों से जब हम काम करते हैं तो जिन चीज़ों से हमें खतरा हो सकता है तो उसके लिए जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है हजार्ड्स। तो अब इसके कौन कौन से टाइप्स है दोस्तों ये हम देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो टाइप्स है इंडस्ट्रियल हजार्ड्स का वो है मैकेनिकल हजार्ड। तो सबसे पहला जो टाइप्स है इसका वो है मैकेनिकल हजार्ड। अब मैकेनिकल यानी हम कहते हैं कि मान के चले कि जेसीपी है वो कोई आदमी चला रहा है, ठीक है। तो चलाते चलाते दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उससे जो उसे हजार्ड होगा हम उसे कहेंगे मैकेनिकल हजार्ड। मान के चलते कि जेसीबी चलाते वक्त कुछ हुआ या फिर जेसीबी बंद गिर गया और बंद गिरने के बाद जो है वो उसे रिपेयर कर रहा है और रिपेयर करते करते कोई नट जो है वो निकल रहा है और उसे एकदम से कुछ ना कुछ चीज हो गई और हाथ को जो है वो लग गया, तो वो भी एक मैकेनिकल हजार्ड है। हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत सारी जो मशीनें होती है वो हम ऑपरेट करते हैं। तो जब ये मशीनें ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो किसी की जान भी जा सकती है। तो मशीन की वजह से जो जो हजार्ड्स आ सकते हैं, किसी का हाथ किसी मशीन में जा सकता है, कोई जो है उसमें पैर उसका जा सकता है, तो कोई भी दुर्घटना जो है वो मशीन के वजह से अगर होती है तो उसे हम मैकेनिकल हजार्ड कहते हैं। तो वो हजार से हमें बचना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इन जो मशीनें होती है इससे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो वो सभी चीज़ें जो है वो दोस्तों आएगी मैकेनिकल हजार्ड्स में। जो मशीन की वजह से क्रिएट होता है उसे हम मैकेनिकल हजार्ड जो है वो कहते हैं। दूसरा जो हजार्ड आता है वो आता है दोस्तों फिजिकल हजार्ड। अब फिजिकल हजार्ड में दोस्तों कौन कौन सी चीज आते हैं? मान के चले दोस्तों आप किसी कंपनी में गए और कंपनी में आप काम कर रहे हैं और जाते जाते कोई ऑयल जो है वो बीच में पड़ा हुआ है और आप वहां से स्लिप हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है आपको चोट लगती है, तो वो आएगा फिजिकल हजार्ड में। अगर कोई आदमी जो है वो 3-4 मंजिले के ऊपर काम कर रहा है और वो वहां से गिर जाता है तो उसे चोट आएगी या उसे जान भी जा सकती है, तो वो आएगा फिजिकल हजार्ड। तो ये सब जो हजार्ड जो है इसमें मशीन इन्वॉल्व नहीं रहती, वो हम खुद की वजह से जब जो है वो हमें कुछ प्रॉब्लम होता है हजार्ड क्रिएट होता है तो हम उसे जो है वो फिजिकल हजार्ड जो है वो कहते हैं। तो तीसरा जो हजार्ड है दोस्तों वो है केमिकल हजार्ड। अब केमिकल हजार्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे केमिकल्स यूज किया जाता है। तो जब दोस्तों ये केमिकल्स होते हैं ये बहुत कभी कभी जो अगर हम SCL की बात करें, कोई इंडस्ट्री है वहां पे SCL यूज किया जाता है, तो वहां पे जो है उस SCL की वजह से कई बार जो अगर वो स्किन पे गिर गया तो जो है वो बहुत बड़ा जो है वो जल सकती है, SPSO4 है। तो बहुत सारे केमिकल जो है वो अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री में बनते हैं, तो वो जब हम हैंडल करते हैं तो वो अगर हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किए तो इसमें लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। यानी कोई केमिकल जो है वो अभी कभी आपको तभी के तभी जो है वो आपको उसका जो है वो रिएक्शन दिखाएगा, और कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि आज अगर आपके हाथ पे गिर गया तो आपको जो है 8-10 घंटे के बाद जो है वो आपको वहाँ पे एलर्जी दिखाई देगी। तो उससे जो है वो आपको जो है वो बहुत हजार्ड जिस केमिकल की वजह से निर्माण होते हैं तो इंडस्ट्री में, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों केमिकल हजार्ड। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ नंबर पे आता है बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। अब बायोलॉजिकल हजार्ड में दोस्तों कौन सा हजार्ड आएगा, ठीक है। अब हम जनरली देखते हैं दोस्तों कि अगर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत सारा मेडिकल वेस्ट निकलता है, तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारा जो वेस्ट है वो निकलता है। उसमें अलग अलग प्रकार के वायरस बैक्टीरिया जो है वो डेवलप्स होते हैं और उसकी वजह से जो है वो कंपनी में जो लोग, मान के कल्चर कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा जो है वो हजार्ड्स निकल रहा है, जो मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल की कंपनी है कोई, तो वहाँ से मेडिकल वेस्ट निकलेगा, बहुत सारे वहाँ पे स्पिरिट बनता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है वो हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो जो कूड़ा कचरा निकलेगा तो उसकी वजह से अगर वो वही के वही अगर कंपनी के नियर बाय कहीं है तो उसकी वजह से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम का इशू जो है वो वर्कर्स को जो है वो आ सकता है। तो उससे जो जो भी कोई हजार्ड्स है, कोई डिसीज हो सकता है,
तो वो सब जो हजार्ड्स है वो आते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल हजार्ड में, जो जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसकी वजह से जो है वो होते हैं। फिफ्थ नंबर पे आएगा दोस्तों एनवायरमेंटल हजार्ड्स, एनवायरमेंटल हजार्ड्स। अब एनवायरमेंटल हजार्ड में कौन कौन सी चीज आएगी, तो एनवायरमेंट यानी होता है पर्यावरण, हमारी आजू बाजू की जो धूप है या हवा है या फिर धूल है, तो ये सभी चीजें जो है वो आता है दोस्तों एनवायरमेंट में। अब इसकी वजह से मान के चलिए कि बहुत टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है और आप कंपनी में जो है वो काम कर रहे हैं, वहां का भी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ जो है हजार्ड हो सकता है एनवायरमेंट में। अगर मान के चले दोस्तों कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो उस पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो आपको हजार्ड्स कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। उसी के साथ दोस्तों अगर मान के चले कि ठंड का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है, तो उसका भी इफेक्ट जो है वो हमारे पे कहीं ना कहीं गिरेगा, उसकी वजह से भी जो है वो हमारी जो है सेहत जो है वो उसे खतरा पहुंचने के जो है वो हम कह सकते हैं कि खतरा पहुंच सकता है। तो उसकी वजह से एनवायरमेंट की वजह से जो है वो बहुत बार जो है हम कभी कभी क्या होता है, जैसे ही एनवायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो हमारी जो है वो सेहत खराब होना शुरू होता है, सर्दी खांसी जुकाम जो है वो लोगों को होता है। तो एनवायरमेंट की वजह से जो जो भी खतरे होते हैं, तो उस खतरों को हम एनवायरमेंटल हजार्ड्स कहते हैं। उसी के साथ कभी कभी अर्थक्वेक आता है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसे ही दोस्तों हम जो साइक्लोन्स आते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल हजार्ड में आती है। और लास्ट में जो है दोस्तों जो हजार्ड्स है वो हजार्ड है ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड, ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड में दोस्तों कौन कौन सी चीजें आएगी वो हम सबसे पहले बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी होता है संगठन। अब जो है वो कंपनी में जब हम काम करते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं, अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी वर्क का लोड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जहां पे आप 6 घंटे काम कर रहे हैं वहां पे आपको कभी कभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, कोई काम जो है वो पूरा कम समय में करना होता है, उस वजह से दोस्तों आपको ज्यादा जो है वो काम करना पड़ता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। आप कंप्यूटर पे बैठे हैं और वर्क कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे आपको काम करना है, तो इसकी वजह से जो आपका पीठ है वो चला जाएगा, आपकी आंखें जो है वो कंप्यूटर के 10-10 12-12 घंटे उस पर लगी हुई है, तो आंखों को जो है वो प्रॉब्लम होगी, उसको हजार्ड्स होगा, तो आपका पूरा जो बॉडी है उसको जो है वो हजार्ड्स हो सकता है ज्यादा एक्सेस वर्क करके। मान के चले कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी कंपनी में खड़ा है, उसे जो है वो ज्यादा शिफ्ट अगर मिल गई तो उसे जो है बहुत देर तक जो है वो काम करना पड़ेगा, एक जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी वजह से चक्कर आ सकती है, वो गिर सकता है, उसके पैर भी जो है उसमें जो है वो हजार आ सकता है दोस्तों। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी वजह से यानी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है, हमारा जितना काम है उससे ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है, तो कोई मेंटल फिजिकल भी जो है वो हजार हमें यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसे जो वो हजार्स आएंगे वो आएंगे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल हजार्स के अंदर। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो इंडस्ट्रियल हजार्स है उसके बारे में। अगर दोस्तों समझ में आया वीडियो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप दोस्तों साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारा अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।